साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने खुलकर कोरोना और लॉकडाउन कैसे खुले इस संबंध में सुझाव दिए हैं और आपके सुझाव सचमुच में आगे की रणनीति तय करने में बहुत सहायक होंगे। ये हम सब लोग जानते हैं कि वायरस कब खत्म होगा, इसकी तिथि कोई आज नहीं जानता। चीन में वुहान में फिर वायरस पाया गया है और दुनिया के भी बाकी देशों की जो स्थिति है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इसलिए आपने जो चीजें कही है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि आप सबने जैसा कहा है कि लगभग आर्थिक गतिविधियां तो चालू होनी चाहिए लेकिन पूरी सावधानी के साथ, चाहे वो रेड जोन हो वहां कौन सी सावधानी रखनी है, स्कूलों के बारे में, दुकान खुलने के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और ढंग से हो, बेहतर हो, उसके बारे में। तो एक तो हमको तत्काल आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो लेकिन सावधानी भी रहे, कि आपके सबके मन के भाव आए हैं। एक समस्या तात्कालिक है, जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको व्यापक पैमाने पर रोजगार के इंतजाम करने होंगे। अब शायद लोगों के दिमाग में एक बार आ गया कि एक बार तो घर जाना है, और इसलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में लिबरली वो आ पाए इसकी कोशिश की। पहले बसों से भी लाए, अब ट्रेनों से भी ला रहे हैं और ट्रेनों से लाके बसों से उनके गांव भेज रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग ढंग से हो जाए ताकि पॉजिटिव पेशेंट गांव ना पहुंचे, और उसी के कारण कुछ जिले हमारे ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आए हैं। लेकिन मानवीयता के नाते अपने इन भाई बहनों को घर लाना और फिर उनकी रोजी रोटी के साधन जुटाना, ये बहुत जरूरी है। मैं केवल एक जानकारी देना चाहूंगा कि कल तक 17 लाख मजदूर भाई बहन हमारे मनरेगा के काम में लगे थे, पिछले साल से इसी समय 6 लाख ज्यादा। इसका मतलब है मजदूरी की डिमांड बढ़ी है। तो हम वो हर संभव उपाय करेंगे, आज विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, जिससे लोगों को तात्कालिक रोजगार मिल जाए। आप सबने प्रकट की चिंता, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं दक्षिण और पश्चिम के राज्यों से और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं, उनके दर्द से मैं भी परिचित हूं और आपने भी अपनी चिंता जाहिर की है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि यथासंभव उनको पैदल ना चलने दें, बसों में बैठा के बॉर्डर तक छोड़ें और भोजन इत्यादि के पर्याप्त इंतजाम करें, उसकी व्यवस्था में कसर नहीं छोड़ेंगे। स्कूल अभी बंद है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो सकती है और विकल्प क्या हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, उसके बारे में आपके सुझाव आए हैं। और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमको करनी होगी आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और इसलिए कई चीजें ऐसी है, छोटी छोटी चीजें जो कहीं चीन से आ जाती, कहीं दुनिया के दूसरे देशों से आ जाती है। अब गणेश जी की मूर्ति हो, दिवाली के दिए हो, होली की पिचकारी हो, अब ये सब हमारे लोकल नौजवान बना सकते हैं। एक नहीं ऐसी अनेक चीजें, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने तो एक विचार प्रकट किया। लगातार इस प्रोसेस में लगा हूं, लगातार के हम लोकल को कैसे बढ़ावा दें, अपने उद्यमी कैसे खड़े हों, एमएसएमई कैसे आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने भी रोजगार, प्रधानमंत्री जी ने भी एक पैकेज घोषित किया है, मध्य प्रदेश उसमें क्या जोड़ सकता है। लेकिन इस पर जोर देना ही होगा कि मध्य प्रदेश स्वावलंबी बने और हम अपने प्रदेश की जरूरत की चीजें, कल ही मैंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ चर्चा की थी व्यापक पैमाने पर, कई चीजें वो बना सकती है, इंडिविजुअल भी बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए। उस दिशा में भी बहुत गंभीरता से प्रयास जारी रहेंगे। हमारे कई वर्ग वो हैं जिनके काम धंधे बंद हो गए, रेहड़ी वाले, पटरी पर सामान बैठने वाले, चाय के ठेले वाले, उनको भी सहायता की आवश्यकता है। आपने चिंता प्रकट की है तो कुछ ना कुछ उस दिशा में भी विचार करके
सीमाओं में सरकार की आर्थिक सीमाएं हैं, रहते हुए उनकी भी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। मित्रों, आपने जो चिंता जाहिर की है वो समाज की चिंता है, और इसलिए आपसे बात करने के बाद समाज के जो भाव है, एक तरह से उनका प्रकटीकरण हुआ है, इसके आधार पर लॉकडाउन खोलने की रणनीति हम तैयार करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक तरफ कोरोना को कंट्रोल भी रखे, अनकंट्रोल्ड ना हो पाए, और दूसरी तरफ हम आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से शुरू करें, क्योंकि आपने भी चिंता प्रकट की है कि वो शुरू अगर नहीं हुई तो फिर दूसरी समस्याएं पैदा होगी। और इसलिए कोरोना से बचें, लेकिन भूख से भी बचें, रोजगार के अवसर भी पैदा हो, उस दिशा में लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। जो मित्र हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीप्ति जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन शायद तकनीकी दिक्कत के कारण उस समय आप जुड़ नहीं पाए होंगे। ऐसे सभी मित्रों के सुझाव हम ऑनलाइन भी लेंगे, उनसे चर्चा भी कर लेंगे, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी सरकार की कि आपके साथ मिलके, समाज के साथ मिलके, सबके साथ मिलके, कम से कम इस महामारी को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। बस एक अंतिम मेरा आग्रह फिर यही है कि समाज का आत्मविश्वास नहीं डिगना चाहिए, समाज का आत्मविश्वास बना रहना चाहिए कि बीमारी है लेकिन ठीक होके जाएंगे। थोड़े समय के बाद विशेषज्ञ बताते हैं कि एंटीबॉडीज अपने आप कुछ ऐसी डेवलप हो जाएगी कि कोरोना का उतना असर ही नहीं होगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, और मुझे लगता है समय रहता फिर वैक्सीन और बाकी दवाइयां भी आएंगी, तब तक आयुर्वेद और दूसरी चीजें जो इम्यूनिटी बढ़ाती है उसके प्रयोग भी हम लोग लगातार जारी रखेंगे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, लगातार संवाद बना रहेगा। मैं यहां पत्रकार मित्रों की समस्याओं की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उससे लगेगा कि हम कोरोना के लिए आए।